हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैनिच रिएक्शन के बारे में कि मैनिच रिएक्शन स्पेशली होता क्या है और इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो चूंकि एक बेस होता है इसलिए इस नेम रिएक्शन के आधार पर उस प्रोडक्ट का नाम ही मैनिच बेस रख दिया गया। द कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन एट लीस्ट वन, कम से कम एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में। एक्टिव हाइड्रोजन जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन है आपका, तो उस कार्बोनिल ग्रुप के बगल का जो मिथाइल ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया आर प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स यूजली एज दियर हाइड्रोक्लोराइड, HCl बींग यूज एज ए कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अमीनो मिथाइल आर सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव इज नोन एज मैनिच रिएक्शन। द बेस कॉल्ड मैनिच बेस इज यूजली आइसोलेटेड एज इट्स हाइड्रोक्लोराइड। स्पेशली इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ और किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स होता है। तो जनरली अगर सेकेंडरी एमीन लिया जाए तो फॉर बेटर होता है, रिएक्शन प्रोसीड कराने में आसानी होती है क्योंकि सेकेंडरी एमीन के पास एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, इसलिए जो है एक को रिप्लेस करने के बाद जो है कंडेंसेशन हो जाता है और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एराइल एमीन, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि जैसे एराइल एमीन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, यानी अगर हमारा एराइल एमीन एलिफैटिक एमीन है तो ये रिएक्शंस जो है प्रोसीड नहीं होता है। और जो मोस्ट कन्वीनियंट एमीन्स होता है वो सेकेंडरी एमीन्स होता है सिंस दे पॉसेस ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। सो ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस सो सेकेंडरी एमीन इज मोर फेवरेबल फॉर डूइंग द रिएक्शन। एंड द थर्ड कैरेक्टर इज दैट द प्रोडक्ट विथ प्राइमरी एमीन इज सेकेंडरी एमीन, यानी अगर हम प्राइमरी एमीन बनाते हैं तो वो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन करता है मैनिज बेस का, विच फर्दर रिएक्टेड टू गिव टर्सरी एमीन। अगर हम इनिशियली प्राइमरी एमीन लेते हैं तो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी लेते हैं टर्सरी में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से जो है एक चेन इसकी बनती चली जाती है। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो मैनिज रिएक्शन में स्पेशली एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके मैनिज बेस का फॉर्मेशन करता है। तो आइए इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो ये है जनरल रिएक्शन कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कीटोन मॉलिक्यूल है, कीटोन ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है NH4Cl, तो सिंपली यहाँ अमोनिया और HCl लिया गया है, अमोनिया और HCl को उनके बीच में रिएक्शन करा करके तो अमोनियम क्लोराइड एज ए सॉल्ट बनाया गया है। और फिर यही जब सॉल्ट जो है इनके इनके बीच में कंडेंसेशन होता है, यहाँ से एक H निकल जाता है जो इसके साथ बाइंड अप होता है, वो H यहाँ जाता है, फिर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ OH, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है इससे जुड़ जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मेशन होता है आर सी ओ सी एच टू सी एच टू एन एच टू एच सी एल, दिस इज कॉल्ड मैनिज बेस। इन अदर वे में अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एसीटोन लिया गया है, एसीटोन भी फॉर्मल्डिहाइड से जब रिएक्शन करता है, और यहाँ सेकेंडरी एमीन है आपका, ये दिस इज सेकेंडरी एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ फॉर्मेशन होता है मैनिज बेस का इन द सेम वे, द प्रोसेस आर सेम। तो चाहे हम यहाँ एक तरह से एलिफेटिक कीटोन लें या फिर चाहे हम एरोमेटिक कीटोन लें, दोनों केसेस में जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो मैनिज बेस ही होता है। मैनिज बेस इसलिए कि चूंकि ये प्रोडक्ट जो है इनिशियली बेसिक इन नेचर होता है, तो
यहाँ पर देखिए, दिस इज साल्ट ऑफ बेस, सो दिस इज कॉल्ड मैनिस बेस। अगर इसके जनरल रिएक्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका एक्टिव हाइड्रोजन, इसके साथ कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो हम एक पार्ट ले रहे हैं उस एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का, जैसे कीटोन हो गया, और उसके हाइड्रोजन को, और यहाँ बेस का एक पार्ट ले रहे हैं, तो ये यहाँ आर आर हो सकता है आपका, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो स्पेशली होता क्या है, तो यहाँ यहाँ इनके बीच में एक इसका हाइड्रोजन, एक इसका हाइड्रोजन, और इसके ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ से देखिए एलिमिनेट हो जाता है, यानी कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन इज ए टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, बट ड्यूरिंग द एडिशन, बिफोर द एडिशन, वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सब्सटीट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ आइदर H2O आर HCl आर एल्कोहल इन सच ए वे, एंड देन द होल कंपाउंड्स आर एडेड विथ ईच अदर। सो हियर यू सी दैट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंडेंस टू लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड फॉर्म मैनिस बेस बाय एक्टिंग विथ HCl। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन है मैनिस बेस का। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो इसका मैकेनिज्म जो है बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है, बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, क्योंकि ये बहुत ऐसे सारे कंपाउंड्स हैं जिसके सिंथेसाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, जो इन केस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्पेशली। तो रिएक्शन इसका जो है मैकेनिज्म के थ्रू, ये दो तरह से इनिशिएट होता है, या तो एसिड कैटालाइज्ड के थ्रू इनिशिएट कराया जाए, या फिर बेस कैटालाइज्ड के थ्रू इनिशिएट कराया जाए। तो हम दोनों रिएक्शंस आपको दिखाएंगे कि जब एसिड से ये कैटालाइज्ड कराया जाता है तो किस तरह से मैनिस बेस का फॉर्मेशन होता है, और जब बेस से कैटालाइज्ड कराया जाता है तो किस तरह से मैनिस बेस का फॉर्मेशन होता है। बट इनिशियली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस तरह से परफॉर्म यानी रिएक्शन में भाग लेता है। तो उसे हम यहाँ पर एक टाटोमेराइजेशन के थ्रू यहाँ दिखा दिए हैं कि हम कीटो फॉर्म को इस तरह से इनॉल फॉर्म में लिख सकते हैं। हियर यू सी दैट, क्योंकि मैकेनिज्म इनिशिएटेड बाय इनोलेट, इनोलेट से ये इनिशिएट होता है, तो यही डबल बॉन्ड जो है, या तो आप डबल बॉन्ड को यहाँ अटैक कराएं, या इसके नेगेटिव चार्ज को बैक ला करके फिर डबल बॉन्ड को अटैक कराएं, दोनों तरह से इस रिएक्शन को इनिशिएट कराया जा सकता है। तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन आर मैकेनिज्म इन्वॉल्व द, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एमीन, ये आपका सेकेंडरी एमीन और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, इनके बीच में रिएक्शन होता है सेकेंडरी एमीन। तो यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है और ये बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है फर्दर ऑक्सीजन की तरफ, और इस तरह से दोनों के बीच में देखिए एक सी डबल बॉन्ड एन आर टू, यानी पूरा का पूरा ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ दिखाया गया है कि चूंकि ये एसिड कैटलाइज्ड है तो यहाँ पर हम प्रोटॉन यूज़ करेंगे, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से प्रोटॉन एडअप करता है, प्लस में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ बना लेता है एमिनियम कैटायन, यहाँ फॉर्मेशन होता है एमिनियम कैटायन का। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर के थ्रू, कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमीन सेकेंडरी एमीन एक्चुअली यहाँ अटैक किया, बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ फर्दर डायरेक्शन में, फिर क्या होता है कि CH2 ये डबल बॉन्ड जब डीलोकलाइज हो जाता है तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और नाइट्रोजन जब यहाँ कार्बन से जुड़ता है तो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ओके, और फिर ये दोनों एक दूसरे से रीअरेंज करते हैं कि ये यहाँ पर सीधा हाइड्रोजन डायरेक्ट दिखा दिया गया है, इसीलिए इसको हम स्टेप वाइज दिखा रहे हैं कि फिर ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाता है, तो ये एच कहाँ आ गया इसके ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक इमिनो एल्कोहल टाइप का मॉलिक्यूल बन जाता है, और पुनः अब इसका एसिडिक रिएक्शन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप
प्रोटोनेटेड किया जाता है, इस पर प्रोटॉन का अटैक कराया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सोनियम आयन में। हियर यू सी दैट दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोनियम आयन बाय द अटैक ऑफ प्रोटॉन। एंड फाइनली द रीअरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू, नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू यहाँ देखिए रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का और फॉर्मेशन होता है एमिनियम कैटायन का। तो इस तरह से देखा जाए तो होल रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वो इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ एमिनियम कैटायन बाई द एक्शन ऑफ बाई द एक्शन बिटवीन सेकेंडरी एमीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारा ये मॉलिक्यूल मिल गया इमिनियम कैटायन के फॉर्म में। और दूसरा सबसे ऊपर यहाँ आपने देखा था कि कीटो को इनॉल फॉर्म में हमने बनाया था, तो हम स्पेशली क्या लेंगे, इनॉल फॉर्म लेंगे। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो इनॉल फॉर्म है ये जो है टोटली ये रिएक्ट करता है किसके, इमिनियम आयन के साथ और हमारा फेवरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगला रिएक्शन है यहाँ पे देखिए इसका सेकंड स्टेप, इट इज़ देन अटैक्ड बाय इनोलेट आयन ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन टू फॉर्म द मैनिस बेस। व्हाट हैपेंस हियर, ये है आपका कीटोन मॉलिक्यूल, कीटोन मॉलिक्यूल ये टाटोमेराइज्ड होता है, यहाँ पर होता है टाटोमेराइजेशन, टाटोमेराइजेशन में आप जानते ही हैं कि माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन टू हेट्रो एटम, कार्बन से हेट्रो एटम पर मूवमेंट हो जाएगा। यानी अगर इसको हम कुछ इस तरह से दिखाना चाहें यहाँ ऐसे, तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ आता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है ऐसे, और इस तरह से ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, इनॉल फॉर्म। ये आपका इनॉल फॉर्म, ये है आपका कीटो फॉर्म। तो इस तरह से जो टाटोमेरिज्म इसमें होता है उसे कहते हैं हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, कीटो का इनॉल में कन्वर्जन या इनॉल का कीटो में कन्वर्जन। व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इनॉल फॉर्म है, इसे इनॉलेट भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इनॉल ले लें। ये आपका इनॉल फॉर्म, ये डबली बॉन्डेड जो इमिनियम आयन हमारा बना था उसके ऊपर देखिए यहाँ अटैक कर रहा है इस तरह से, और जैसे ही अटैक किया कैसे अटैक करेगा, इनिशियली तो अटैक करेगा नहीं, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, एक प्रेशर चाहिए कि बैकअप साइड से एक कि इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाए। तो पुश कहाँ से होता है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को देता है, और जैसे ही यहाँ कार्बन को देता है कार्बन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है वो देने की बढ़ जाती, क्यों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है नेस्ट को स्टेबलाइज होने के लिए, तो तुरंत ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है कहाँ पर, इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ देखिए ये बॉन्ड स्टेबलाइज कर देता है डेफिशिएंट नाइट्रोजन को। ओके, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए रहता है, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्यों, ड्यू टू द डोनेशन ऑफ लोन पेयर। और इस तरह से फिर यहाँ डी प्रोटोनेशन होता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, और डी प्रोटोनेट होकर के अब यहाँ आप देख सकते हैं वेरी सिंपल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैनिस बेस। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हमारा दो ही स्टेप में समाप्त हो जाता है। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन होता है इमिनियम आयन का, और ये इमिनियम आयन कैसे बनता है, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस, दिस में बी एमीन्स एंड द एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड सच एज कार्बोनिल कंपाउंड। ये रिएक्शन बेस कैटलाइज भी होता है, इसे हम बेस कैटलाइज के थ्रू भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमारा रिएक्शन बेस कैटलाइज हो तो फिर क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है कि चूंकि अब आप जानते हैं कि अगर एसिड कैटलाइज्ड है तो प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और जब बेस होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर तो अटैक करेगा नहीं, तो उसे कोई और हाइड्रोजन चाहिए, तो कौन सा हाइड्रोजन होता है, वो यही एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो किसके पास होता है, कार्बोनिल कंपाउंड के पास होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर हम इस कार्बोनिल कंपाउंड को ऐसे लिखें, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है सोडियम एथॉक्साइड,
और ये बेस ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ बना देता है क्या कार्बन आयन, यहाँ देखिए कार्बन आयन बना, वहाँ क्या हुआ था कीटो इनॉल टॉटमेरिज़म, इनोलेट आयन बना था, यहाँ कार्बन आयन स्पेशली बन रहा है। और एक स्टेप ये हो गया कार्बन आयन के थ्रू, और फिर ये रिएक्शन सेम वे में होता है, सेम रिएक्शन होता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो सेकेंडरी एमीन है, ये इस फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करता है, और इस तरह से इनके बीच में क्या हो जाता है कंडेंसेशन हो जाता है हियर लाइक दिस Na2CH2 लाइक दिस। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यही मॉलिक्यूल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इमीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ना कार्बन आयन उसके ऊपर अटैक करेगा। इस स्टेप में देखिए कि यहाँ पर इमीनियम आयन नहीं बनाया गया, यहाँ पर सीधा जो है ये कार्बन आयन अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से OH को एलिमिनेट कर दे रहा है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फिनोलेट आयन, ये दोनों नहीं बनता है, और सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन हो जाता है और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है मैनिच बेस का। तो एक सबसे फेवरेबल रिएक्शन ये भी, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए एसिड और बेस कैटलाइज में कि विच इज़ मोर फेवरेबल, तो स्पेशली एसिड कैटलाइज रिएक्शन इज मोर फेवरेबल एंड विच गिव द बेटन मैकेनिज्म, बेस जो है उतना फेवरेबल नहीं होता है कि जितना कि एसिड होता है। सो देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ मैनिज बेस, हमने शुरू में ही बताया था कि मैनिज बेस जो है यानी ये रिएक्शंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो नेचुरल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं जिनके सिंथेसाइजेशन में ये भाग लेता है, और एक ही नहीं वन कंडेंसेशन मैनिज बेस फॉर्मेशन नहीं करता, डबल कंडेंसेशन मैनिज बेस का फॉर्मेशन करता है, यानी एक ही मॉलिक्यूल जो है आपका वो दो बार कंडेंसेशन करता है, डबल मैनिज बेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसकी एक खासियत होती है इस रिएक्शंस की। तो आइए स्पेशली देखते हैं इसमें, और दूसरी चीज़ इसकी एक दूसरा करेक्टर ये भी होता है कि विथ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अगर कीटोन हमारा अनसिमेट्रिकल है, देखिए यहाँ पर कीटोन जो है ये हमारा अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है तो इसके दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है तो हम कहते हैं कि कीटोन हमारा सिमेट्रिकल है, अगर किसी वन साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक्सेस हो जाता है तो कीटोन हमारा अनसिमेट्रिकल हो जाता है। तो स्पेशली यहाँ देखिए अनसिमेट्रिकल कीटोन में ये मोर हाईली एल्काइलेटेड अल्फा कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड, जो सबसे ज़्यादा एल्काइलेटेड अल्फा कार्बन होता है यानी ये सब्स्टिट्यूट होता है बाय द अमीनो मिथाइल ग्रुप, न कि ये, अगर मान लीजिए कहीं कंडीशन आए, कहीं ऐसा रिएक्शंस आपको मिले कि जहाँ पर अनसिमेट्रिकल कीटोन दिया गया हो, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो बेस है हमारा वो इसके एक्टिव हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा, वो कहाँ जुड़ेगा यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, और आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा एल्काइलेटेड हाइड्रोजन होता है ये ज़्यादा एल्काइलेटेड हाइड्रोजन है ये, तो यहाँ पर देखिए बेस जो है यहीं पर आकर के जुड़ता है और माइनस बेस का फॉर्मेशन करता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि माइनस बेस जो है डबल कंडेंसेशन या डबल माइनस कंडेंसेशन रिएक्शन भी देता है जिसे हम रॉबिन्सन सिंथेसिस भी कहते हैं, और इस सिंथेसिस में बहुत ही एक बेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रोपिनोन कहते हैं। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये सक्सिनल डिहाइड को लिया जाता है, सक्सिनल डिहाइड को लेकर के यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर प्राइमरी एमीन लिया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन, यानी ऊपर के केस में जहाँ हमारा एल्डिहाइड जो है फॉर्मल्डिहाइड था सिंपली अकेले था, अब यहाँ पर देखिए ऐसा कंपाउंड लिया गया है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि आफ्टर रिएक्शन इस तरह का कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट है, बाईसाइक्लिक, तो इसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे के रिसेम्बलिंग है, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये भी ट्रोपिनोन ही है, ट्रोपिनोन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ये था, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप ये था, हो गया। और इन दोनों से क्या जुड़ा, CH2 CH2। आप देख सकते हैं कि दोनों से डबल माइनस कंडेंसेशन हुआ, लेकिन जो स्पेशल रोल रहा इस पूरे करेक्टराइज प्रोसेस में, वो इस नाइट्रोजन का रहा कि जो इस दोनों कार्बन को बाइंड अप करता है। तो आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म में कि किस तरह से ये माइनस बेस जो है डबल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म शो किया गया है कि सबसे पहले देखिए, ये है हमारा सक्सिनल्डिहाइड, जो इसके पहले आपने देखा था। सक्सिनल्डिहाइड को हमने कुछ इस तरह से ओपन फॉर्म में लिख दिया इसके स्ट्रक्चर को। और ये है हमारा मिथाइल एमीन, और ये एमीन ग्रुप यहाँ पर अटैक करता है, सॉरी, ये इन लोन पेयर अटैक करता है इस कार्बन पर, डिलोकलाइजेशन हो जाता है कुछ इस तरह ऐसे। तो यहाँ नाइट्रोजन जुड़ गया, और नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसकी डिफिशियंसी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके की जाती है, चूँकि NH2 था तो इसीलिए डिफिशियंसी फिनिश हुई, तो इसका हाइड्रोजन पॉजिटिव हुआ तो कहाँ चला जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से एक देखा जाए तो एक अमीनो एल्कोहल टाइप का हमारा एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अनस्टेबल। फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ये अपना लोन पेयर यहाँ देता है, यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमीनियम आयन फॉर्मेशन हो गया, पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप पर किसका फॉर्मेशन हो गया, इमीनियम आयन का। तो यहाँ जैसे ही इमीनियम आयन हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इस NH CH3 ग्रुप को हम नीचे लिख सकते हैं, यहाँ कार्बन को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है और ये कार्बन आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज। ये देखिए तो यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब जो हमारा इनॉल फॉर्म है, जो कंपाउंड है, वो अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ से ये बॉन्ड देखिए अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, यही कार्बो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा पाई बॉन्ड, और ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन फिर आप वही बात आती है कि पाई बॉन्ड डायरेक्ट तो अटैक करेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना होता है कि बैक साइड से ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करता है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। और फिर फाइनली क्या होता है कि ये CH2, ये पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप देखिए आपका यहाँ जुड़ जाता है इस तरह से। और चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहता है, तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ से देखिए डीप्रोटोनेशन हो जाता है, और इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वंस अगेन कार्बोनिल कंपाउंड में। बात देख सकते हैं CH से ये NH2 C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ गया यहाँ पे। तो उस रिएक्शन में इसका जो है कंडेंसेशन हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का। पुनः अब यहाँ क्या होता है कि जो आपका ये बेसिक ग्रुप जुड़ा है NH CH3, इसका लोन पेयर इसके दूसरे पर पुनः वही इमीनियम कैटायन बनाएगा। अब डबल कंडेंसेशन यहीं शुरू हो रहा है, एक तो कंडेंसेशन हो चुका, अब ये डबल कंडेंसेशन शुरू हो रहा है कि ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है। और जैसे ही कार्बन को डोनेट किया, यहाँ देखिए साइक्लाइजेशन हो जाता है, और इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है इनके बीच में, और ये बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है इस ऑक्सीजन की तरफ, और इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए NCH3 इससे जुड़ गया। तो चूंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ नहीं है, तो चूंकि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो है इसका बॉन्ड ब्रेक होकर के इस नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी को स्टेबलाइज करता है, और पुनः H+ के फॉर्म में रिलीज होकर के इस ऑक्सीजन के ऊपर
जुड़ जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जब नेगेटिव बना तो ये एच लेकर के इसको स्टेबलाइज कर दिया, लाइक दिस समवर्ड। और इस तरह से इस दोनों कार्बन के थ्रू ये एमीन ग्रुप आप देख सकते हैं कि जुड़ जाता है। अब इनिशियली क्या होगा कि अब यहाँ से डिहाइड्रोक्सीलेशन हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ फॉर्मेशन करेगा, यहाँ देखिए कार्बोकेटायन का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इमिनियम आयन है, दिस इज समवॉट लाइक इमिनियम आयन। और पुनः क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्बोनिल ग्रुप का दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन है जो यहाँ इनोलाइजेशन कर सकता है। तो जब यहाँ इनोलाइजेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ गया लाइक दिस, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ आया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया OH। ओके OH क्यों? क्योंकि ये माइनस हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ जा करके जुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए इसका ये इनॉल फॉर्म बन गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और ये बन गया आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ अटैक करता है? इस कार्बन के साथ। कैसे? ये बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ गया फर्दर, तो पुनः क्या होता है, ये प्लस हुआ, यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इसके पहले क्या निकला था, OH माइनस, यहाँ क्या निकला, H प्लस। तो क्या हो रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, यानी कंडेंसेशन हो रहा। तो एक बार आपने देखा तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे प्रोडक्ट बना देता है, CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, बीच में जुड़ जाता है NCH3। तो ये ट्रोपिनोन है, दिस इज टाइप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को जो है डबल मैनिज कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है या रॉबिन्सन सिंथेसिस कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे मैनिज रिएक्शन में जो सबसे खास बात है वो ये होता है कि कीटोन विथ एक्टिव हाइड्रोजन आर मोर कॉमनली यूज, यानी वही कीटोन यूज़ किया जाएगा जो एक्टिव हाइड्रोजन क्रिएट करता हो यानी रखता हो। इफ़ द कंपाउंड्स हैव मोर देन वन एक्टिव हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए कंपाउंड के पास कई एक्टिव हाइड्रोजन हो, जैसे अभी पिछले रिएक्शन में आपने देखा कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हम लेते हैं तो जो हाईली एल्काइलेटेड ग्रुप होता है एक्टिव हाइड्रोजन का, वही जो है रिएक्शन में भाग लेता है, यानी उसी पर हमारा बेस अटैक करता है और मैनिज बेस बनाता है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कई एक्टिव हाइड्रोजन हो तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में इफ़ देर आर मोर देन वन एक्टिव हाइड्रोजन आर प्रेजेंट देन ऑल ऑफ देम मे बी सब्स्टिट्यूटेड बाई अमीनो मिथाइल ग्रुप, सबका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कीटोन लिया गया है, सिंपल कीटोन R2NH CH2, ये आपका बेस है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहाँ से देखिए एलिमिनेट हो रहा, CH2 बन रहा था, यहाँ देखिए इसका CH2 में कन्वर्जन हो गया। और पुनः फिर जब हम वही सेम रिएजेंट लेते हैं तो फिर यहाँ से एक एच जो है निकल जाता है, फिर यहाँ पर आपका ये NHR2 और ये आप करके जुड़ जाते, देखिए CH2NR2 ट्वाइस, फिर एक एच यहाँ से निकल गया। और फिर जब सेम रिएजेंट लेते हैं तो फिर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, सारे हाइड्रोजन वन बाई वन यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ से एलिमिनेट हो गए। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ कि वन एक्टिव ऑल ऑफ देम में बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अमीनो, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए गए किसके थ्रू, अमीनो मिथाइल ग्रुप के थ्रू। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज देखिए कि अगर मान लीजिए फिनॉल है, फिनॉलिक टाइप, बहुत से ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं कि जो ये मैनिज रिएक्शंस देते हैं, तो इसमें देखिए फिनॉल्स आर आल्सो सब्स्टिट्यूटेड बाय अमीनो मिथाइल ग्रुप। अब आप देख सकते हैं कि फिनॉल में आर्थो और पैरा, चूँकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो जब ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो आर्थो और पैरा पोजिशन पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ये आर्थो और ये पैरा का जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा यही सब्स्टिट्यूट होगा किसके थ्रू, फॉर्मल्डिहाइड और स्ट्रॉन्ग बेस। तीन तीन मॉलिक्यूल लिया गया क्योंकि तीन हाइड्रोजन है। तो और इस तरह से देख सकते हैं कि आर्थो और पैरा पोजिशन इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड थ्रू अमीनो मिथाइल ग्रुप। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है इस मैनिज रिएक्शंस का। और इस पूरे रिएक्शंस में सिंपली
कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा हो जो एक्टिव हाइड्रोजन रखता हो, और हमारा जो बेस ऐसा हो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा हो, प्राइमरी एमीन भी ले सकते हैं, सेकेंडरी एमीन भी ले सकते हैं, जिसमें सिंपली कम से कम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के चांसेस, जो कई हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होंगे तो स्टेप जो है हमारा वो बढ़ जानी, रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसेस या जो है टाइम ड्यूरेबल हो जाए, यानी टाइम टेकन होगा। तो इसीलिए कम समय में अधिक प्रोडक्ट का बनना ये ज़्यादा बेटर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ज़्यादा समय में कम का बनना। तो मैनिक रिएक्शन जो है इसी थ्योरी पर आधारित है। हमारा अगला रिएक्शन है स्टोव रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन के बाद ये नेक्स्ट रिएक्शन है स्टोव रिएक्शन। इस रिएक्शन में स्पेशली होता क्या है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंडेंस्ड विथ एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम हाइड्राइड या टर्सरी एल्कोहल टू गिव द साल्ट ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर। हाफ एस्टर का फॉर्मेशन होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, बट नॉट द एल्कोहल, इसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। दिस इज नोन एज स्टोव रिएक्शन। ये है हमारा स्टोव रिएक्शन। सिंपली इसमें जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स जो भाग लेते हैं उनके बीच में जब कंडेंसेशन होता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर एक तरह से हाफ एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जबकि बाकी रिएक्शन में अगर इस तरह से रिएक्शन कराया जाए तो ये जनरली एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर देता है स्पेशली। तो जनरली इसके कुछ क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि ये रिएक्शन टोटली स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि बहुत ही यूनिक होता है, कि इसमें जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे ये ध्यान देना होगा, एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट लेंगे, सारे एस्टर्स जो है वो स्टोव रिएक्शंस नहीं देंगे या ये रिएक्शंस नहीं देंगे, स्पेशली स्पेसिफिक फॉर सक्सिनिक एस्टर। दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर सक्सिनिक एस्टर, बट द कार्बोनिल कंपाउंड में बी वेरीड ओवर ए वाइड रेंज, कार्बोनिल कंपाउंड बीच में भी यूज डार, यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा रिएजेंट होगा वो स्पेसिफिक होगा, जनरली ये सक्सिनिक एस्टर ही होगा। तो इसमें ये क्या क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है आपका कि एलिफैटिक एंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हो सकता है जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, एलिफैटिक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, या फिर एलिफैटिक एरोमेटिक एलिसाइक्लिक साइनोकीटोन्स ये सारे जो हैं, या फिर एज आल्सो कीटो एस्टर्स, ये जो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये सारे के सारे एज ए कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड सक्सिनिक एस्टर से रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में यहाँ एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर का फॉर्मेशन करता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर। ये देखिए ये एस्टरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये साल्ट ऑफ एसिड है, ये हाफ एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो ये इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये स्पेसिफिक रिएक्शन है टुवर्ड्स सक्सिनिक एस्टर के लिए, यानी जो हमारा रिएजेंट यूज होगा वो स्पेसिफिक होगा, स्पेशली सक्सिनिक एस्टर ही लिया जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखा जाए तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही क्लियर कट नहीं है, जैसे सारे इसके ऊपर जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा वो सारे मैकेनिज्म कुछ क्लियर कट हैं, लेकिन इसमें कुछ इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि हम एकदम क्लियर कट इस मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्टेबल प्रोसेसेस हैं या मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू हम इस हाफ एस्टर के बारे में पता कर सकते हैं कि किस तरह से ये हाफ एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, जो इसका पहला स्टेप होता है कि पहले स्टेप में बेस जो हमारा होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सक्सिनिक एस्टर टू फॉर्म व्हाट कार्बन आयन, यानी आप देख सकते हैं कि ये सक्सिनिक एस्टर है और ये सक्सिनिक एस्टर
जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है और ये बेस इस प्रोटॉन पर अटैक करता है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से ये अटैक होता है, ये अटैक होता है इसके हाइड्रोजन पर, और यहाँ से ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता है कार्बन के ऊपर और यहाँ फॉर्मेशन होता है कार्बन आयन का, जिसे हम सक्सिनिक एस्टर कार्बन आयन कहते हैं। इसको कहते हैं सक्सिनिक एस्टर कार्बन आयन। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और कार्बन आयन, जिसे हम सक्सिनिक एस्टर कार्बन आयन कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यही जो सक्सिनिक एस्टर कार्बन आयन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सक्सिनिक एस्टर कार्बन आयन है हमारा, ये कार्बन आयन, ये क्या करता है, ये अटैक करता है कार्बोनिल ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और यहाँ इससे जुड़ करके ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, यहाँ पे देता है एक रिएक्शन प्रोडक्ट फर्स्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब फाइनली क्या होता है कि ये जो निगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, ये अगले स्टेप में यही जो है ये अटैक करता है, कहाँ पर करता है, इस कार्बन के ऊपर। क्यों करता है कि दिस एडक्ट देन अंडरगो साइक्लाइजेशन, एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन क्रिएट करता है, यहाँ होगा साइक्लाइजेशन, यहाँ साइक्लाइजेशन होता है और एक साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरह ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेडक्ट फर्स्ट देन अंडर गो साइक्लाइजेशन एंड देयर इज एस्टर लैक्टोन इंटरचेंजेस टेकन प्लेस टू फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट सेकेंड, यहाँ साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एनायन इसके कार्बन पर अटैक किया, इस डबल बॉन्ड को हमने इधर लगा दिया, जैसे यहाँ अटैक किया इनके बीच में साइक्लाइजेशन हुआ और यहाँ से C2S5O ग्रुप क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, इसका जो है एलिमिनेशन हो गया और पूरा ग्रुप जो है किसके साथ जुड़ गया, इस ऑक्सीजन और कार्बन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में बाइंडिंग हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो साइक्लिक एस्टर है, इसी साइक्लिक एस्टर को क्या कहा जाता है, लैक्टोन्स, हमने पीछे भी आपको बताया है कि जो हमारा साइक्लिक एस्टर होता है उसे हम लैक्टोन्स कहते हैं और जो हमारा साइक्लिक एमाइड होता है उसे हम लैक्टम कहते हैं। हमने पीछे वाले वीडियोस में आपको इन सब के बारे में डिटेल्स बता चुके हैं। फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सेकेंड हाइड्रोजन है, सेकेंड हाइड्रोजन फिर वो बेस के थ्रू यहाँ से मूव होता है, यानी बेस जो है इसके सेकेंड हाइड्रोजन यानी इस हाइड्रोजन पर, सिंपली देखा जाए इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, यानी यहाँ बेस, और ये अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ और यहाँ फॉर्मेशन हुआ पुनः कार्बन आयन का, और जैसे ही कार्बन आयन बना यहाँ से क्या होता है, रिंग की ओपनिंग, ये बॉन्ड यहाँ अटैक किया, ये रिंग जो है देखिए ओपन हो गया, यानी कहाँ आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो जैसे ही यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर आया, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर के यहाँ देखिए एक ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, COOC2S5 और यहाँ है CH2CO CO-, CH2COO-, और ये है आपका सी डबल बॉन्ड COCH2। तो ये हाफ एस्टर का, देखिए एक पार्ट इसका एस्टरिक है एक पार्ट एस्टिक है, तो ये हाफ एस्टर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और फाइनली इसका प्रोटोनेशन करा देते हैं चूँकि, या फिर जो हम सॉल्ट ले रहते हैं, जैसे यहाँ क्या था, सोडियम था या फिर पोटेशियम था, तो यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम जो है आकर के जुड़ जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ स्टोप रिएक्शन एंड ओवरऑल दिस प्रोसेस आर कॉल्ड स्टोप रिएक्शन। अब स्टोप रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे मैनिच रिएक्शंस के एप्लीकेशंस थे
और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं कि स्टोव कंडेंसेशन हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड एसिड्स। ये अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड एसिड्स के सिंथेसाइजेशन में बहुत ही अहम भूमिका प्ले करता है। द कंडेंसेशन हैज़ आल्सो बीन यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीसाइक्लिक रिंग सिस्टम। इसमें पॉलीसाइक्लिक रिंग सिस्टम का भी सिंथेसाइज करने की बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है। और इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि इट हैज़ आल्सो बीन यूज ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ स्टोन। स्टोन के सिंथेसिस में भी इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है। और ऐसे बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हैं जो स्टोव रिएक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो दिस इज़ द प्रोसेस मैकेनिज्म एंड रिएक्शन ऑफ स्टोव कंडेंसेशन। दैट्स ऑल।